होना है, और उसके बगैर न हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगा। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, नफरतें बढ़ाई जाती हैं, मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके में, मगर नहीं। और यही है, पिछला इलेक्शन भी जीता गया बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत है, आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं, और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 नेशनल कांग्रेस। मेहरबानी कर नारे मत, मुझे ये बताइए जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचने का है। नहीं, इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। उसमें वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते थे। कभी भूलिए मत, जम्मू में नफरत की लहर आज से नहीं है, 47 से। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग थी। हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क था। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह है। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें, हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे इनको रुका नहीं सकते, बचा नहीं सकते। अरे मुझे बताओ, मैं कश्मीरी हूं, मेरे इलाके में सर्दी इतनी जबरदस्त होती कि पूछिए मत, मेरा खाना अलग, मेरा पहनना अलग, मेरे घर अलग। तमिलनाडु से मेरा क्या है, उनका मौसम कभी इतना ठंडा नहीं होता, उनके कपड़े हमारी तरह गर्म कपड़े नहीं होते, वो ठंडे पहनते हैं, उनका खाना हमारे से बिल्कुल अलग। पर किस चीज ने हमें एक रखा? वही हाल बंगालियों का, वही हाल महाराष्ट्र वालों का, अलग अलग, मगर सिर्फ एक सोच से कि हम इकट्ठे इस हिंदुस्तान को बनाएंगे, उसके बगैर नहीं बनेगा, उसी लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मगर जो ये सोच रखते हैं
पहले तो हमें पाकिस्तानी कहा गया, इस जमात को पाकिस्तानी कहा गया, फिर आपके सामने आए भूलिए मत बिल नंबर 9 आ गई है, आप पाकिस्तानी आएंगे वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपके जमीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाजत नहीं दे, मगर आपने सुना है। जरा बताइए आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे, कौन आया, कौन बसा, इसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफी हम आज भी कर रहे हैं, आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा बाकी जाए फाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, क्योंकि आप हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ है, आपने इन लोगों का मुकाबला करना है, इनके झूठ का मुकाबला करना है। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, और हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छोड़े रहे। मारो जितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने वाले। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था, ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता। मगर वो लीडर शेरे कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, इसने कायदे आजम से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पैदा करने वाला वो है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर उसने मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता तो मैं हिंदू होता, और इंदिरा गांधी को अगर पैदा किया होता शेख अब्दुल्ला के घर में तो मुसलमान हो, और संतान देने वाला वो है। किसको किसके घर में देगा, किसको किसी के घर में नहीं देगा वो जानता है। मैं नफरत पैदा करने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें हुकूमत करनी है क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर रहे हो? हमारे लोग बहुत जानते हैं, जानते हैं किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे? याद है कहते थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी मैं भी मंत्री था, कहते थे पेट्रोल के दाम चढ़ गए, लोग कहते थे हम चढ़ गए दाम, कहते गैस का सिलेंडर का कीमत चढ़ गया, कहते चढ़ा चढ़ गया, जो दाल आप खाते थे क्या उसकी कीमत बढ़ गई कि आप नहीं खा सकते आप? आज मैं इसी वजीर आजम से पूछता हूं, जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहां है? आज गैस सिलेंडर कहां बांध गया? मेरी मां और बहन जो है आज फिर से गोबर और चूल्हा जला रही है अपना खाना पकाने के लिए, और उसके पास पैसा नहीं है दाल खरीद सके, इतनी दाल की कीमत आसमान पे पहुंच गई। और आपके जो पेट्रोल और गैस उसको देखो, आपकी टिकट जो है अगर आप यहां से जम्मू के शहर से आरएसपुरा जाना चाहते हो उसकी टिकट कितनी बढ़ गई, अगर आप पठानकोट जाना चाहते हो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, बैठ जाओ बैठ। तो ये देखिए आप कि कहां पहुंच गए हम, जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, उन्होंने इसको जहन्नम बना दिया है।
अगर तुमने इलेक्शन जीतना है जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ, फिर इलेक्शन जीतो। और तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं, अरे वजीर घूमे कहां गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। कमाल देखो, अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना? क्या ये समझते हो कि वही लोग हैं जो बवंजा में थे? नहीं, आज पढ़े लिखे हैं, आज पहाड़ों पे भी पीएचडी वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्से हैं, पैरामेडिकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो जानते हैं कि हो क्या रहा है। आप मीडिया को देखिए, कितना मीडिया को दबाया हुआ है। अगर एक भी अखबार वाला या मीडिया का दूसरे जो रुख है वो कोई भी चीज सच्ची बयान करे, उसके एडिटर को पहले ही पुलिस थाने में बुलाया जाता है कि खबरदार, कुछ दूसरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसे कानून लगाएंगे कि पूछिए मत। भूल गए? यूपी में सबसे बड़ा अखबार था, आज भी है, उसके ऊपर रेट आ, क्योंकि वो सच लिखता था। उसने दिखाया कि कोविड में किस तरह लाशें जो हैं जमुना और गंगा में डाली जा रही है, देखा। और ये कहते हैं कि 5 लाख मर गए, और जब उसका एस्टिमेट किया गया उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हाल देखिए, अगर कोई अखबार ये लिखेगा तो उस अखबार के मालिक को जेल के कोने में बैठना पड़ेगा। यह वो हिंदुस्तान नहीं। मैं वो हिंदुस्तान जानता हूं जब जवाहरलाल पार्लियामेंट में बैठा होता था और बड़े नेता लोहिया साहब थे, वो ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, मजाल है कि जवाहरलाल अपनी कुर्सी से हिले, सुनता था। वो जमाना था जब क्या खुला लिख सकते थे, इमरजेंसी का जमाना आया। नाज करता हूं इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के ऊपर, आज नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में चला गया। उसने खाली रखा मगर झुक नहीं लिखा, सारी जो दौलत उसकी पूंजी थी उसे लगा दी मगर सर नहीं झुकाए। वो थे हमारे। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, उनने ट्रंप के बारे में ऐसा लिखा कि ट्रंप जीत नहीं सकता। आप समझते हैं कि आप हर वक्त रहेंगे? और जिन्हीं अखबारों को आपने दबा के रखा है वो खुल्लम खुल्ला लिखे, और मैं अल्लाह से यही कहता हूं तब तक मुझे नहीं लेना इस दुनिया से, जब तक मैं वो नहीं देखूं कि हमारे अखबार सच्चाई से लिख सके और सामने लिख सके। डरना नहीं है, घबराना नहीं, कई मुश्किलें आई मगर जिसने उसकी रस्सी पकड़ी है उसको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक वो है। मैं तो कहता हूं बार बार, भगवान रावण इतना ताकतवर, जब उसको उसने खत्म करना था उसने उससे सीता मां का
अपहरण कराया। और वही लंका यहां का वो बादशाह हनुमान जी किसे उसको दरबार, फिर जैसे शेरा मनाते हैं आप वहां तीनों को खत्म, रावण को भी कुंभकर्ण को भी मेघनाथ मालिक वो है, जरूर मुश्किलें हैं, कौन कहता नहीं, सच बोलना मुश्किल हो गया क्योंकि थाने में ले जाए अंदर कर तो थानेदार भी क्या करेगा, उस पर जोर है उसको अपनी नौकरी बचा दो, मगर वो भी जानता है ये गलत है। आज तो कोई बाबू आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं, अपने डीडीसी के इलेक्शन किए, स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट के बहुत बड़ा इजलास किया कश्मीर में, मैं भी वहां था, मैंने कहा जो डीडीसी के मेंबर बने हैं पंचायत के मेंबर बने हैं ये लोगों के सामने क्या लेके जाएंगे, ये तो इलेक्शन करके आ गए मगर अब वो गांव वाला पूछता मेरा मेरी सड़क कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है, मेरी डिस्पेंसरी का हाल क्या है, वो क्या कहेंगे। आपने दिखाने के लिए तो कर दिया मगर उनको वो हक नहीं दिया जिसके बारे में आप कहते थे, आसमान से कहते थे कि अब पंचायती राज बनेगा और पंच जो होगा उसमें कोई ताकत होगी। मैं हुकूमत से पूछता हूं क्या ताकत दी आपने उनको, क्या ताकत, क्या उनके पास कोई ताकत है, अफसर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्या बनाया। हमारी लड़ाई महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई थी कि लोगों को जो वोट का हक है वो दो, तुम रहो राजा मगर लोगों की हुकूमत बने, वही लड़ाई। ये जो पर्ची आज तो आप बटन दबाते हो तो कभी भूलना नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के करोड़ों के खून का नतीजा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, उस पर्ची पे गांधी का खून भी लगा हुआ है। जब बटन दबाते हो तो याद रखना उनको जिन्होंने अंग्रेजों ने फांसी दी, तीनों फिरोजपुर में उनका मेमोरियल बना हुआ है, भगत सिंह मैं गया वहां अभी मार्च में, उन्होंने जवाहरलाल को नहीं देखा है हिंदुस्तान को आजाद देखते हुए मगर कुर्बानी दी उस डायर के खिलाफ जिसने जलियांवाला बाग का किस्सा किया था, हजारों उस कुएं में पड़े बेगुनाह। कभी भूलिए मत ये देश आपको आसानी से नहीं मिला है, ये देश आपको उस खून से मिला है जिसकी कुर्बानी, जिसके लिए अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। आज आप पे जिम्मेवारी है, आज आप पे जिम्मेवारी है इस मीडिया पे और आप पे, अगर इस भारत को मजबूत करना है तो सच्चाई का दामन थामिए और सच्चाई से एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहिए,
जब तक हमारे यहाँ भाईचारा रहेगा कुछ नहीं होगा, मगर जिस दिन भाईचारा खत्म हो जाएगा हमें अंदर का खतरा है, मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक हम मजबूत हैं अंदर। इसे उस भाईचारे को पकड़िए और इस जमात को मजबूत कीजिए। जमात में लोग आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मगर अपने आप को मजबूत करो। बड़े ऐसे ऐसे चीजें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आप देखना क्या क्या नेता आएंगे। वो नेता भी आएगा तो कहता था गोली मारो सालू को, किसको मारना है गोली, किसको? सोचते मुझे इस बात का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना चाहिए। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूं। वजीर आजम, भारत बनाना है तो भारत में इंसानियत को पैदा कीजिए, नफरत से भारत नहीं बनेगा। नफरत से ये वतन खत्म हो जाए, उसको याद रखिए। वाजपेयी ने क्या कहा, कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी था, कहा हमने इस रियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में इसका फैसला है। मैं आज भी कहता हूं जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकते, कभी नहीं। मुझे लिख के ले लें, चार जंगे हो गई हैं, चार जंगों में गरीब ही मरा, अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने ये सोचा, उससे ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिल जाए, और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने किश्तवाड़ में, जहां पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते थे मुसलमान के, और क्या कहा, कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते, या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाए। अरे क्या ही अच्छा दोस्ती होती, आज सियालकोट से लोग यहां जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहां जाते, वही हाल होता था पुराने जमाने में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, लोग रेल में आते थे, रेल में आते थे, यहां दिन गुजारते थे, शाम को वापस आते। अरे मैंने मेडिकल कॉलेज में जब चोन लाया आता था, चीन का वजीर आजम और जवाहरलाल उसके साथ होता था, मैंने मेडिकल कॉलेज का लड़के होकर मैंने हिंदी चीनी भाई भाई दोनों झंडे ऐसे उठाता था। आज कहां पहुंच गए, नफरतें कहां पहुंच गई, बॉर्डर पे बैठे, हमारी जमीन पे बैठे हुए, और आप बात क्या हो गया, हमें दोस्ती में रहेंगे तो ये जो पैसा हम लोग इन जहाजों को और इन टैंकों को और इन चीजों को लेते हैं, वो हम अपने किसान को उठाने के लिए लेंगे, उसी गरीबी दूर करने के लिए लेंगे। आज हम लोग 101 नंबर पे पहुंच गए हैं बुखारी में,
सोमालिया के साथ हमारा दर्जा आ गया है, जबकि इंदिरा गांधी के वक्त में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। हम लोग अपने न सिर्फ खुद खाते थे बल्कि दुनिया में बेचते थे अपनी फसल। आज कहां पहुंच गए आप देखें, यही जम्मू, उसके बारे में वो जम्मू 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 कहते हैं, पार्लियामेंट में बैठा था, मुझे टेलीफोन आया कि यहां लोग मर रहे हैं, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वजीर हर्षवर्धन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं आपको इंटरप्ट करने के लिए, मगर मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा हमारा दारुल खिलाफा सर्दी का जम्मू, उसके अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। जहां ये आप बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं वहां लोग मर रहे हैं। दावा यहां से आसमान तक, हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं, हम दुनिया को बेच रहे हैं। पहले यार अपना घर बचाओ फिर दुनिया देखो, अपना घर तो आग में लगा हुआ है और हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलेगा, शहबाज आई घूमते आती हैं जाती हैं, राजीव गांधी की भी हुकूमत थी 400 नंबर, आपके भी 300 है, इतने दूर नहीं है, जब आप भी नीचे आते नफरत का ढंका जो आप बजा रहे हैं ना, तो थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने, बद्री रैना साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, इनको आराम नहीं है, इनको आराम नहीं है। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, सुनिए आप, एक औरत जो पली थी लखनऊ में, पढ़ा था पढ़ी हुई लखनऊ में, वो नवरात्रा की छुट्टी में वहां गई देखने के लिए कि हालत कैसी, और क्योंकि उसका खावन जो है वो मेरे ख्याल से फौज में है तो कंटोनमेंट में है, तो वहां हैरान हुई कि आज भी वहां का कल्चर यही है, भाई साहब भाईजान चाय लेने वाला सुबह को भाईजान, नाश्ता करती है भाईजान नाश्ता लाता है, धोबी रोज उसके कपड़े ले जाता था और धोके लाता था वापस, नौमी के दिन धोबी नहीं आया तो उसने पूछा, टेलीफोन किया धोबी को, आप क्यों नहीं आए हमारे कपड़े लेकर? उसने कहा जनाब आज नौमी है तो मेरी छोटी बेटी 7 साल की है, वो इन घरों में जाती है जहां मैं कपड़े धोता हूं और इसको उस दिन वो भगवती का रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, याद भी होता है गंगा पूजा, गंगा पूजा होती है,
तो इसकी पूजा होती है, इसलिए हमें देर लग गई आपके यहाँ आने में। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा यही वो बेटी है मेरी जिसकी कन्या पूजा हुई थी। वो बेटी बड़ी खुश कि उसने आज उसकी पूजा हुई, उसने थोड़े से पैसे भी कमा लिए, बड़ी खुश। तो इस औरत ने उससे पूछा, प्रीति ने धोबी से, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए हैरानी देखिए, धोबी कहता है मेरा नाम मोहम्मद है। उसका दिल बैठ गया, मुसलमान लड़की की पूजा हो रही है। थोड़ी देर में इसके आंसू आने लगे, देखो, और कहती है ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं, कहती है आंसू से, आज भी मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, आज भी मेरे हिंदुस्तान में नफरत गायब हो गई। आए लोगों याद रखो, इस वतन में आज भी इंसानियत है, आज भी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत करें, और इंशाल्लाह ये भारत रहेगा, ये मोहब्बत रहेगी, यही चले जाएंगे जो नफरत फैला रहे हैं, यही मर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, घबराना नहीं, बस अपने भगवान को थामे रहो, अपने अल्लाह को थामे रहो, और उससे ताकत पाओ, वही ताकत है। इंशाल्लाह ये जमात मरेगी नहीं, न मरेगी, न मरी है, न मरी थी। एक जमाने में नरसिम्हा राव जी की हुकूमत थी तो कहते थे फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत तो वो जो नशा था वो तो मर गए, कहा है नशा। मैं विलायत गया, मुझे लोग विलायत भेजे, फारूक साहब आइए, तशरीफ लाइए, हमें किसी को बचाने वाला तो वो। आज भी आपसे कहता हूं जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। हेलो बंधुरा, तुम जितना मार सकते हो, बीजेपी वालों आरएस वालों मारो नारे जितने तुम मार सकते हो, तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। मुझसे लिख लो, लिख लो मुझसे, खून से लिखने को तैयार। कोई धर्म नफरत नहीं से, कोई इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। अपने धर्म की तरफ चलो। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, अमल के मुसलमान नहीं रहे, तुम नमाज नहीं करते, रोजा नहीं रखते, सच नहीं बोलते, कम तोड़ते हो, बेईमानी करते हो, छुड़ बोलते हो, यही हाल हमारे हिंदुओं का, सिखों का, क्योंकि हम उससे दूर हो गए, हमें माया जाल में फंसा रखा है, माया जाल। समझते हैं अगर 1 करोड़ है दूसरा करोड़ बना रहा हूं, कोई पता नहीं कर रहा क्या हो, ये नहीं पता है, जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा, सारा यही धरा। मीडिया मेरे सामने, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे पिछले गवर्नमेंट ने सतपाल मलिक साहब ने झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूं, कहता हूं सर आइए मेरे सामने, हाँ क्या बोल रहे, मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं, झूठ बोल रहा है, पहले तो हम सबको झूठ बोला कि 300 जाएगा ही सवाल ही नहीं है, फिर कहता नहीं मुझे वजीर आजम ने कहा था 35 जाएगा 370 रहेगा, ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात,
अरे यार जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। सोचते है ना, तुम गवर्नर से उतरो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और गवर्नर ज्यादा देर रहेगी नहीं, वो भी चली जाए, फिर क्या करें? इसलिए झूठ बोलना छोड़ दो। रक्षी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा इनको कि इन्होंने उसका फायदा उठाया। किसे किया रक्षी स्कीम का मकसद था कि हम पावर प्रोजेक्ट बना सकें। मैं 9 प्रोजेक्ट हमारे पास थे पावर के, और मैं हुकूमत के पास गया, भाजपा जी प्राइम मिनिस्टर थे और पावर मिनिस्टर थे वो साउथ इंडिया के कुमार मंगला, उनके दफ्तर में गया। चलने फारूक साहब, आपको सेंटर जो है काउंटर गारंटी नहीं देगा, आप 2 प्रोजेक्ट बना लीजिए, 7 हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका जो भी पैसा हमें लगेगा वो हम निकाल लेंगे, फिर ये प्रोजेक्ट आपके हवाले। मैंने कहा ठीक है। मैंने किसी मिनिस्टर से नहीं पूछा, किसी सेक्रेटरी को भी नहीं किया, उसी वक्त दस्तखत, हमें बिजली चाहिए। हमारे लोग बिजली के बगैर अंधेरे में रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो दिया जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, आंखें खराब हो जाती, हमें बिजली चाहिए। कारखाने बनेंगे तो बिजली होगी, घर आबाद होंगे, हमारी माँ बहनें खाना पका सकती हैं, गर्म पानी कर सकती, 7 प्रोजेक्ट रूम के हवाले, 2 प्रोजेक्ट हमें दिए सावरकोट और बगलिहार। अल्लाह का शुक्र है बगलिहार आज आपको 900 मेगावाट, सावरकोट में अगर इन लोगों ने ऊपर नीचे नहीं किया था आज 1800 मेगावाट होना आपके पास, उसमें भी फैलाया। फारूक अब्दुल्ला इसका हिस्सेदार है, और फिर ये भी कहा आज वो जिंदा है फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, जब उसका ये जो है बगियार का वो डैम का नियम रखना था, तो हमने इनको बुलाया कि आइए देखिए। हमने जब देखा, देखा डॉक्टर साहब मुझे तो ये पता नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि वहाँ कुछ भी नहीं है, पैसा सारा खा गए, यहाँ तो इतना काम हुआ है। आज भी वो जिंदा, पूछ लीजिए उनसे। इंसान जब जाएगा कुछ नहीं साथ ले जाएगा, ये कपड़े भी नहीं साथ जाएंगे, ये जिस्म भी यही रह जाएगा, या तो जलाया जाएगा या खाक हो जाएगा कब्र में, सिर्फ रूह जाएगी, आत्मा जाएगी, और जो किया होगा उसका हिसाब आपको पहले से देना होगा। से ये जो अजीब उचिम किस्म के खबरें फैला रहे हैं, ये और फैलाएंगे, और नफरतें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। हर गांव में इन्होंने आरएसएस का आदमी भेज रखा है, हर गांव में जम्मू के, जब आए ना कश्मीर हम भी देखते हैं कौन आ सकता है इनमें से, क्योंकि हम में वो दम है इनका जवाब देने का। मैं उन पर लाठी नहीं चला, हम इनको अपने इंस के अपने मुंह से कहेंगे गलती का। कोई काम नहीं तुम्हें, और इसे आपसे कहता हूं मीडिया वालों, उसे डरो, इनसे मत डरो, डरो जिसे तुम्हें पैदा, सच्चाई की तरफ उसी के सामने हमने जाना है, तुमने भी और मैंने भी, वहां कोई फर्क नहीं, ये बादशाह या गदा का सब मामला। हिम्मत, हिम्मत,
और कोई भी जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकेगा, वो लाख कोशिश करेगा नहीं कर चिल्लाएंगे यहाँ से अलग करें, उधर से अलग, इधर से यहाँ खींचेंगे। अरे भाई खींच के तो दिखाओ। और फिर एक साथ कहते हैं डिक्सन प्लान। वाह मेरे ख्याल से वो डिक्सन कब्र से उतरा होगा और रात को इसको एक भूत बन के आया होगा कि डिक्सन प्लान। आप कौन सा प्लान लाओगे? डिक्सन तो मर गया, आप कौन सा प्लान लाओगे? यह हाल झूठ नफरत। और मैं भाई बहनों से सिर्फ अपील करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि हम नफरत को डुबो सके, नफरत को जन्म में रख सके और भाईचारे को जिंदा रख सके, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो दे दी, मैं उसे दुआ करता हम सबको सलामत रखे और हमें अपने भारत की जो है उसकी शान दिखाए। उसकी शान है एकता में, इतिहाद में, इत्तेफाक में और भाईचारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए उठिए और सब मैंने कुछ नहीं कहना, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया।